इंतजार खत्म हुआ और आज से बिहार का महापर्व छठ पूजा शुरू हुआ। नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? मैं उत्तम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। आज है 7 नवंबर। वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं डाल रहा था, बट आज से छठ पूजा शुरू हो रहा है। होली बीता, दीपावली बीता, दशहरा बीता, कुछ उतना एक्साइटमेंट नहीं था, बट छठ पूजा है तो बहुत ज़्यादा मैं अंदर से एक्साइटेड हो गया। और आज शुरू हुआ छठ पूजा तो मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और अपने आप को नहीं रोक पाया ब्लॉग बनाने से। काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं आ रही थी, उसके बारे में हम एक लाइव स्ट्रीम करेंगे, उसमें बातें करेंगे और बताएंगे कि अभी क्या दिक्कतें आ रही है और क्या हो रहा है जिसके वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहे। बट अभी मैं कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू 4 दिनों तक वीडियोस डालूं। बातें बहुत करनी है, पर उससे पहले कुछ स्पेशल है जो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी चलते हैं नीचे, अभी मैं उस छत पे और नीचे चलेंगे और वो चीज़ देखेंगे और फिर बातें करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले गूगल एडसेंस ने मुझे ये भेजा। ये क्या है? मैंने एक शॉर्ट्स बना रखा है, उसमें मैंने बता रखा है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और थैंक यू इसके लिए, आपके बिना इम्पॉसिबल था। मैं इसको अभी करने जा रहा हूँ अनबॉक्सिंग और फिर आगे की बातें करते हैं। यहाँ पर लिखा है यहाँ से फाड़ने के लिए, और मैं इसके अंदर नहीं दिखा सकता, ना इस साइड दिखा सकता हूँ क्या है, बट मैं बस इसको इतना करना है वही मैं करता हूँ। इसके एक साइड में पिन लिखा होता है। अभी मैं घर से बाहर निकल चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ गांव में। अब मैं आपको आज के बारे में बताता हूँ। आज क्या है? आज है नहाए खाए, यानी आज से छठ शुरू हो जाता है। यूँ तो छठ 4 दिनों का फेस्टिवल है, पर इसकी तैयारी सालों पहले शुरू हो जाती है। मतलब आज छठ ख़त्म हुआ और आज से नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग शुरू, ऐसा होता है हमारे बिहार में। और दीपावली ख़त्म होने के बाद आपके कानों में कुछ गीत गूंजने लगेगी और वो गीत होगी छठ का। आहा, क्या आनंद मिलता है सुन के। अभी मैं निकला हूँ गांव में और देखते हैं गांव में क्या तैयारी चल रही है। लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी मैया की जय। अभी मैं गांव में निकला तो अभी जो आपने देखा वो है हमारे लक्ष्मी माता। तो लक्ष्मी माता क्या था कि अभी दीपावली में हम लोग लक्ष्मी माता का मूर्ति स्थापित करते हैं और आज उसका विसर्जन होना है। तो आज छठ शुरू हो रहा है और आज उनका विसर्जन भी हो रहा है। अभी मैं उस जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पर छठ होना है और वहाँ पर तैयारी देखते हैं क्या तैयारी चल रही है और अभी क्या होना बाकी है। ये वो जगह है जहाँ पर लक्ष्मी माता को स्थापित किया गया था। इसके जस्ट पीछे वहाँ पर सूर्य कुंड है, उसी में लक्ष्मी माता को विसर्जित किया जाएगा। यही वो तालाब है जहाँ पर हम लोग छठ पूजा करेंगे और यहीं पर हम लक्ष्मी माता को भी विसर्जित करेंगे। आज के बारे में मैं बताता हूँ। आज मैंने बताया जैसे कि आज नहाए खाए है, तो आज नहाए खाए में ऐसा होता है कि जो छठ करने वाले होते हैं, सिर्फ हमारे यहाँ लेडीज़ नहीं जेंट्स भी छठ करते हैं, जो कोई भी छठ पूजा कर सकता है। और नहाए खाए के दिन ये होता है कि वो सुबह उठती है, मुँह धुल के दतमन से मुँह धुला जाता है, ऐसे ब्रश से नहीं मुँह धुलते। और दतमन से कैसे ब्रश करते वो मैंने दूसरे चैनल पे डाल रखा है, लिंक मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं वीडियो। तो वो दतमन से मुंह धुलती है और फिर खाना बनाती है अच्छे से बिना लहसुन प्याज का। उसमें खाने में सेंधा नमक डलाता है और ज़्यादातर चावल बनता है, चावल दाल और सब्जी बनता है लौकी का, और भी अलग अलग टाइप के मटेरियल्स बनाते हैं जो उनको सुविधा लगता है और बना के फिर वही खाते हैं। और फिर कल क्या होगा कल के वीडियोस में मैं बताऊंगा। अभी आज के वीडियो में बहुत कुछ बाकी है, अभी मूर्ति विसर्जन होना और भी बहुत कुछ होगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। चलो एक बार बोलते चलो लक्ष्मी माता की जय।
लक्ष्मी माता की जय। मूर्ति विसर्जन से पहले जब लक्ष्मी माता को पूरे गांव में घुमाया जाता है तो हर घर से कुछ औरतें आती है और लक्ष्मी माता को पूजा करती है और अच्छे से विदा करती है। अभी आपको हल्के फुल्के गाने का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। ये मूर्ति विसर्जन करने से पहले लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और गाना बजा रहे हैं। अभी मैं उधर जाता हूँ और आपको सुनाता हूँ। और कॉपीराइट के इशू के वजह से तो मैं पूरे गाने को नहीं सुनाऊंगा, पर उसमें म्यूजिक लगा दूंगा। तो ये था छठ पूजा का पहला दिन और आज आपने देखा कि हम लोगों ने मूर्ति विसर्जन किया और आज से छठ पूजा शुरू भी हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल और अगले वीडियो में। बाय।